अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बस दो मिनट की बल इनसे और कर लेना इधर हम राजीनामा होगा दोनों तरफ से। एक मिनट गई बेटी आ रहा है आज तो मैं लगभग 2:15 से 2:30 के बीच में अपने कार्यालयीन काम में व्यस्त था। इसी बीच पार्षद सत्ताधारी दल के नेता पक्ष मनीष सेन जी और इरफान अली पार्षद प्रतिनिधि और ठेकेदार अनीस शेख ये मेरे कक्ष में आए और आके मुझसे गाली गलौज करने लगे। प्रारंभ से ही उन्होंने बोला देख लेंगे तुम नौकरी कैसे करते हो हम जानते हैं। मैंने बोला भाई साहब मैटर क्या हो गया तुमने कुछ नहीं बहुत ही गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दी। इरफान अली तो मारने तक का प्रयास किया मुझे जी और ये सब चीज़ की रिकॉर्डिंग पूरे वीडियो कैमरे की रिकॉर्ड है क्योंकि मैं TI साहब को प्रोवाइड कर चुका हूँ। क्या कारण रहा सर के अचानक जो कारण उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला तुम इतने दूर से हो ऐसा करोगे वैसा करोगे हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा जैसा हम बोलेंगे नहीं करोगे फिर देख लेना तुम और पूरी ही समय वो अभद्रता ही करते रहे। अभी आप थाने पर पहुंचे हैं क्या शिकायत की आपने? शिकायत मैंने जैसा जो मैंने आपको बताया वही मैंने लिखवा के दी है। तो फुटेज की जांच के लिए SI साहब अभी अंदर कंप्यूटर में देख रहे हैं। उन्होंने कहा फुटेज पहले मैं देख लूँ उसके बाद मैं कार्य नहीं करूँगा। क्या लगता है सर कुछ मनीष सेन या इरफान अली के पार्षद का कोई ऐसा कार्य हो जो आपने नहीं करा? नहीं इनसे तो मेरे हमेशा मधुर संबंध मेरे सभी पार्षदों आम जनता सभी से मेरे मधुर संबंध है और होने लायक सभी काम सबके ही होते हैं। उक्त मामले को लेकर आपने आपके आला अधिकारियों को बिल्कुल सूचित किया? मैंने कमिश्नर साहब को बताया महापौर जी को घटना से अवगत कराया। ठीक है आपका नाम पुनीत शुक्ला उपायुक्त।